एक बात याद रख लेना, भगवंत मान बिलासपुर में आया था, उसने ये बात कही थी, जिस दिन वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ में, अंदर जाओगे एक छोटे से बक्से का जैसा मेरे सामने है, यहां पे मशीन पड़ी होगी, कोई नहीं देख रहा होगा उसको, आप अकेले ही होगे। जल्दबाजी में कोई बटन मत दबाना, पहले यह देखना हर चुनाव चिन्ह के सामने, हर बटन के सामने एक चुनाव चिन्ह है। तो मैं ये याद कराना चाहता हूं आपको कि बटन दबाने से पहले यह याद रख लेना कि ना तो वो बटन किसी हाथ पंजे का है, ना वो बटन किसी कमल के फूल का है, ना वो बटन किसी हाथी का है, ना वो बटन किसी और सीढ़ी का, सीटी का, या कोई भी और चुनाव चिन्ह, जा ना ही वो बटन झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, नहीं दबाओगे तो पिछले 23 साल हो गए, 5 और जोड़ लो 28 हो जाएंगे। ये सुधरने वाले नहीं है भाई साहब, इनसे उम्मीद मत रखिए कि ये अच्छे हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, ना। ये कांग्रेस बीजेपी सब एक ही हैं। कांग्रेस वाले तो आप कांग्रेस को वोट दे दोगे, उनका कोई पता नहीं कब अपने अपने मुख्यालय के सामने फट्टा लगा दें कि यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। वो तो कभी कोई ले जाता 5, किसी का कोई बहुमत कम हो गया 5 कांग्रेस से ले लो, कांग्रेस भी नहीं माइंड करती, ले जाओ। वो कहते ना कि किसी आदमी पर इतनी गरीबी आ गई, लोग कहते हैं यार इतनी गरीबी आ गई, घर के बर्तन बेचकर गुजारा कर रहा है। कांग्रेस का भी वही हाल है, एमएलए बेच बेच के गुजारा कर रही है कांग्रेस। 10 तुम ले लो, 5 तुम ले लो, लोगों की वोट का कोई महत्व नहीं, तुम्हारे वोट बेच रहे हैं भाई साहब। वो वोट नहीं बेच रहे, वो शहीदों का खून बेच रहे हैं। शहीदों ने, भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, शहीदों ने अपना खून देकर ये वोटर कार्ड हमको बना के दिया है। इसको किसी के कहने पर या रिश्तेदार के कहने पर इधर उधर मत देना, वोट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करो, मर्जी से करो, शहीदा की आत्मा को शांति मिलेगी। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो इनसे कोई उम्मीद मत रखना। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब।